चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर वन जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और फ्रेंड्स ये इसका पार्ट सेवन है और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा। मैं हूँ प्रशांत। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वाली स्लाइड के लिए। इसके पहले हम लोगों ने लो टाइड्स हाई टाइड्स वगैरह ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, और भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था। आज हम लोग सबसे बेसिक कंसेप्ट चीज़ देखेंगे जो कि मास एंड वेट एक्चुअली होता क्या है। मास क्या होता है एंड वेट क्या होता है। तो सबसे पहले मास के बारे में हम लोग समझते हैं। तो मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। समझ गया, समझ लो आपके पास एक कोई बॉल है, तो बॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कण होते हैं, उन छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। तो इन कणों का कोई तो मास होगा, कुछ तो इसका वजन होगा। तो इन्हीं छोटे छोटे कणों में कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट हैं, किसी भी एक बॉल में कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट है, इसी अमाउंट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। समझ गया, क्या बोलते हैं इसको? मास बोलते हैं। ठीक है, जो मास की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ मास केजी होती है। क्या होती है? मास की एसआई यूनिट केजी। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो किसी भी मतलब क्वांटिटी को मेजर करने के लिए थ्री टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। एक एसआई होता है, फिर सीजीएस यूनिट्स होते हैं, फिर एक होता है एमकेएस यूनिट होता है। ठीक है, तो सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। एसआई यूनिट ये एक स्टैंडर्ड मतलब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एक यूनिट होता है। हम लोग को हमेशा इसी एसआई यूनिट के हिसाब से ही सब कुछ मेजर करने होते हैं, ऐसा आपने 9th में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके पहले वाले लेक्चर में जो पार्ट 6 था इसका, मैंने उसमें बताया था कि जो क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मास एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मास की कोई क्वांटिटी हो सकती है क्या? लेफ्ट में, राइट में, नॉर्थ में? नहीं हो सकती है। इसलिए मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। जबकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या था? वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि उसमें क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ठीक है, और नाउ जो मास होता है वो किसी भी जगह पर क्या होता है? सेम एवरीवेयर। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। कहाँ पर? हर जगह। आपका मास अगर 10 kg अर्थ में है तो सन में भी क्या रहेगा? 10 kg ही रहेगा। मून में क्या रहेगा? 10 kg ही रहेगा। समझ गया, तो मास हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि मून में अगर किसी का मास 10 kg है तो सन में कितना होगा, तो बोल देना 10 kg ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है। नाउ इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू द अनदर प्लैनेट। अगर दूसरे प्लैनेट में हम जाते हैं तभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ इट इज़ द मेजर मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक इनर्शिया वर्ड लिखा है, इस इनर्शिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो समझ लो, इनर्शिया एक रेजिस्टेंट फोर्स होता है। क्या होता है ये? एक रेजिस्टेंट फोर्स। समझ लो कि आप जो फैन है, फैन चल रहा है, तो फैन को जब आप बंद कर दोगे तभी भी फैन थोड़े टाइम तक के लिए घूमते रहेगा। तो वो जिस फोर्स की वजह से वो घूम रहा है, वो मतलब जो फैन जिस भी फोर्स की वजह से घूम रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। समझ गया, उसी रेजिस्टेंट फोर्स को क्या बोलेंगे? इनर्शिया। देखो, फैन आपने एक स्पीड में चालू किया, जैसे ही आप बटन क्लोज करोगे, बंद करोगे, तो वैसे ही क्या हो जाएगा? फैन वापस से क्या हो जाएगा? तभी भी थोड़ा बहुत घूमते रहेगा। तो वो जिस भी फोर्स की वजह से घूमता है वो इनर्शियल फोर्स होता है। उसको उसी उसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्योंकि जो रेजिस्टेंट फोर्स है उसके वजह से वो फैन थोड़ा टाइम तक के लिए घूमता है, और उसी रेजिस्टेंट फोर्स को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो इसी क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? मास। ठीक है, इतना समझ गया होगा। नाउ एक चीज और समझ लो, हायर द मास हायर द इनर्शिया। अगर समझ लो किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर फैन 5 kg का था, तो जब आप बटन बंद करोगे तो फैन थोड़ा धीरे धीरे, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम तक के लिए घूमेगा, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंट फोर्स होगा थोड़ा कम ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर फैन समझ लो 50 kg का है, तो 50 kg के फैन को जब बटन बंद करोगे तो वो थोड़े टाइम तक के लिए घूमेगा। तो जब वो उस टाइम तक के लिए घूमेगा तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंट फोर्स लगेगा, क्योंकि उतनी बड़ी बॉडी को विदाउट किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स के घुमाना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इनर्शिया अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर किसी भी बॉडी का ज़्यादा मास है तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। तो इनर्शिया और कुछ नहीं, रेजिस्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए आपको। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे वेट के बारे में, कि एक्चुअली वेट क्या होता है। तो मास के बारे में आपने समझ लिया, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है। मास हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, और मास जो अमाउंट ऑफ मैटर, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है बॉडी में, सॉलिड मैटर भी हो सकता है, लिक्विड मैटर भी हो सकता है, गैसियस मैटर भी हो सकता है। ठीक है, अब वेट के बारे में पढ़ते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स, क्या डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। यानी कि समझ लो कि यहाँ पे आपके पास एक बॉल है, इस बॉल को जब आप ऊपर फेंकोगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर बॉल नीचे की तरफ टर्न होने लगेगा। समझ गया, जैसे कि यहाँ से आपने फेंका, फिर ऐसा यहाँ से वापस ऐसा आएगा बॉल, तो इस पॉइंट में क्या रहेगा, बॉल टर्निंग पॉइंट इसकी रहेगी। तो इस टर्निंग पॉइंट में जब बॉल नीचे की तरफ आएगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है उस बॉल को अट्रैक्ट करने के लिए, वही होता है वेट उस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का वही वेट होगा, जितना फोर्स अप्लाई करेगा अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वही वेट होगा इस बॉडी का। समझ गया, तो वेट क्या होता है, जितना अर्थ फोर्स अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसे अट्रैक्ट करने के लिए अपने तरफ। समझ गया, समझ गया, तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, नाउ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी रिटर्न यूजिंग इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम जी। 9th में आपने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू एम जी का फॉर्मूला, जहाँ पर एम क्या था, मास था, जी क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर एक्सीलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू एम जी। आपने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जब मैंने इसके पहले वाले पार्ट में सिखाया था कैसे रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम जी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो नाउ अब वेट क्या होगा, तो वेट हमेशा फोर्स के इक्वल होता है, इसलिए W यानी कि वेट, F यानी कि फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम जी होता है, यानी कि वो W के इक्वल भी होगा, क्योंकि फोर्स ही क्या है, वेट है, और वेट ही क्या है, फोर्स है। जितना किसी भी बॉडी का वेट होगा उतना ही फोर्स अर्थ लगाएगा, और जितना अर्थ किसी बॉडी पर फोर्स लगाएगा उतना ही क्या होगा, उस बॉडी का वेट होगा। तो वेट और फोर्स हमेशा इक्वल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो और यहाँ से जी की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इस जी की जगह में, तो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ वेट बीइंग अ फोर्स, इट्स ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन, जो वेट होता है वो क्या है, एक्चुअली फोर्स है, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो इसलिए वेट की ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही होगी। समझ गया। नाउ ऑल्सो द वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो वेक्टर में डायरेक्शन होता है और फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। फोर्स भी हम लोग लगाते हैं ना, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया किसी की, मतलब फोर्स का एक डायरेक्शन होता है।
तो वेट का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि फोर्स और वेट सेम सेम होते हैं, और जिस भी चीज़ का डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, द नाउ एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखो, जो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्शन है इस फोर्स को, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। नाउ एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, जी की वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था सरफेस में वेरिएशंस हुआ था, डेप्थ में वेरिएशंस हुआ था, फिर और भी हम लोगों ने देखा था जैसे कि अर्थ के बाहर हाइट में उसका वेरिएशंस हुआ था जी की वैल्यू का, तो जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती है। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू इट्स मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेट की बात करूँ तो वह हर जगह चेंज होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम जी, तो एम तो कभी चेंज नहीं होगा लेकिन जी की वैल्यू चेंज होती है, तो जी की वैल्यू जब चेंज होगी तो ये टोटल एफ की वैल्यू भी जब कैलकुलेट करोगे तब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इतना याद रखना हमेशा। ठीक है, तो वेट हमेशा चेंजिएबल होता है और जो मास होता है कभी चेंज नहीं होता है, और जो वेट चेंज होता है तो किसकी वजह से चेंज होता है, तो वेट हमेशा जी के वजह से चेंज होता है। ठीक है, तो हमेशा इतना याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मास एंड वेट आपको अच्छे से समझ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल वेव के बारे में। नाउ वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इनटू इट। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ इट्स एंड आर हेल्ड इन हैंड एंड इट इज शेकन। बोलने का मतलब क्या है कि अगर समझ लो आप किसी नदी या रिवर में जाते हो और एक छोटा सा पत्थर स्टोन उस पे फेंक देते हो, तो उसके अगल बगल कुछ राउंडेड यानी कि सर्कल के फॉर्म में कुछ, समझ लो यहाँ पे आपने ड्रॉप कुछ फेंका, तो ऐसे सर्कल के फॉर्म में ऐसे बाहर की तरफ ऐसा कुछ वेव स्ट्राइक निकलता है, और या फिर आपने यहाँ पे इस यहाँ से एक कुछ लिया और यहाँ से एक स्ट्रिंग को यहाँ पे टाई अप कर दिया और फिर इसमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ वाइब्रेशन जैसा होने लगता है अगल बगल, इसे क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। समझ गया, तो वेव्स क्या होता है आपको समझ गया होगा। नाउ लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेव, जो लाइट होता है ये भी एक टाइप का वेव्स होता है। लाइट में भी छोटे छोटे पार्टिकल जो सन से अपने यहाँ तक लाइट्स आती हैं, तो लाइट्स किसके फॉर्म में होती हैं, रे के फॉर्म में। ठीक है, तो लाइट्स रे के फॉर्म में होती हैं, और ये जो रे होती है इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं इनको, फोटोन बोलते हैं, और ये फोटोन क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इनमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल अमाउंट में छोटी थोड़ी थोड़ी एनर्जी भरी हुई होती है, और जो लाइट है ये भी एक तरीके का वेव्स होता है, और इस वेव्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, और गैमा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारे लाइट्स के वेव हैं। इन्फ्रेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स आर ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, बहुत सारे टाइप्स की, गैमा रेज हो गया, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इन्फ्रेरेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारे के सारे टाइप्स हैं किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो क्या होती है, लाइट होती है, क्योंकि लाइट हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। समझ गया। नाउ एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जेक्ट एमिट दीज वेव्स एंड वी रिसीव देम यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट्स।
एस्ट्रोनॉमिकली यानी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि अगर समझ लो स्पेस में कुछ भी अर्थ ऑब्जेक्ट है और वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर निकल रही है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो उन इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑल आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स हैज़ बीन ऑब्टेंड थ्रू दीज वेव्स। तो यूनिवर्स का सबसे पहले देखो जो कोपरनिकस थे उन्होंने बताया था कि जो सन है सन के अराउंड जो सारे जितने प्लैनेट्स हैं वो घूमते रहते हैं, तो ये सब उन्होंने वेव्स के थ्रू बताया था कि यानी कि जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं ये एक वेव्स के थ्रू ही उन्हें पता चली थी कि जो भी लाइट्स आती है लाइट्स कहाँ से आती होगी, तो सन से आती है, और जो सन से लाइट्स आती है तो ये जो सारी लाइट्स है ये किसके फॉर्म में होगी, तो वेव्स के फॉर्म में होगी, तो इन्हीं वेव्स को हम ग्रेविटेशनल वेव बोलते हैं। तो यूनिवर्स का जो भी पता चला है स्टार्टिंग में वो इन्हीं वेव्स के वजह से ही पता चला है। और अपने वेदों एंड शास्त्रों में जो भी होता है अपने इंडियन हिंदू धर्माज में तो क्या होता है, इनमें पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया गया है कि सन के अराउंड जो अर्थ है क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, और भी सारे प्लैनेट्स जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं वो जो 8 प्लैनेट्स हैं सारे के सारे रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो हमारे इंडियंस में पहले से ही सब कुछ पता चल चुका है, ठीक है, लेकिन कोपरनिकस वगैरह इन्होंने अभी अभी बताया है और जिन्हें हम अभी प्रूफ मानते हैं, ठीक है। नाउ ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, दे हैव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन द फैब्रिक स्पेस टाइम। आइंस्टीन प्रेडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस इन 1916। दीज वेव्स आर वेरी वेरी वीक एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। बोलने का मतलब क्या है कि जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ये बहुत ही कुछ अलग टाइप की वेव्स होती हैं, और आइंस्टाइन ने इनको क्या बताया है कि ये जो होती हैं वेव्स ग्रेविटेशनल वेव्स ये सबसे वीक वेव्स होती हैं, यानी जैसे कि अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है ये सबसे वीक वेव्स है, मतलब सबसे मतलब बहुत ही कमज़ोर होती है, सबसे वीक वाली वेव्स इसी को बोलते हैं। और जो बहुत स्ट्रांग वाली वेव्स होती हैं जैसे कि मैग्नेटिक वेव्स हो गया इलेक्ट्रिकल वेव्स हो गए और साउंड वेव्स हो गया है, ये सारे के सारे क्या होती हैं बहुत ही स्ट्रांग वेव्स होती हैं। तो जो साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो ऐसे वेव्स की को मेजर करने के लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स कुछ डिवाइसेस बनाया है जिससे हम लोग मेजर करते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है और ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर कैसे करना है, वो कौन से अमाउंट में कितने अमाउंट में मतलब चल रही है और उसका सोर्स क्या है, ये सब मेजर करने के लिए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जो कि तुरंत सेंसिबल होते हैं इन वेव्स के लिए, ठीक है। और ऐसे मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको मोस्टली लीगो बोलते हैं, LIGO ये शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी। जो इंटरफेरोमेट्रिक का मतलब होता है जो अर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करता है जो डिवाइस उसको इंटरफेरोमेट्रिक बोलते हैं। तो अर्थ से रिलेटेड यानी ग्रेविटेशनल वेव्स को जो ऑब्जर्व करता है ऐसे को इंटरफेरोमेट्रिक बोलते हैं। मेट्रिक मतलब मेजर करना, इंटरफेरो यानी कि अंदर और फेरो मीन्स कोई एक डिवाइस, तो इसको लीगो इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एग्जैक्टली आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ दिस प्रेडिक्शन साइंटिस्ट डिटेक्टेड दीज वेव्स कमिंग फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकली सोर्स। तो साइंटिस्ट लोग को क्या पता चला कि जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये किसी अंतरिक्ष में किसी सोर्स की वजह से आ रहा है, किसी कोई तो इनका एक सोर्स है जहाँ से आ रहा है, और इस सोर्स को किसने फाइंड किया, इस लीगो नाम के डिवाइस ने, मतलब जो लीगो एक डिवाइस है उसने।
और इस लीगो के बहुत सारे वैरायटी भी हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्जन में अलग अलग डिवाइसेस आते हैं। इंडियन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दिस डिस्कवरी। अपने इंडियन साइंटिस्ट का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंटली इन्होंने डिस्कवरी की है। दिस डिस्कवरी हैज़ ओपन्ड अ न्यू पाथ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। अपने इंडियन साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे तो सैटेलाइट वगैरह बना के और ये जो वेव्स हैं ये कुछ पता किया है। रमन इफेक्ट आपने सुना होगा, यहाँ से भी वेव्स को मेजर कर सकते हैं उनके इफेक्ट के थ्रू, लेकिन वो भी लाइट से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो अपनों को इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल वेव। सबसे वीक वेव होता है ग्रेविटेशनल वेव, ये लाइट के फॉर्म में होता है और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। और इसको कौन सा डिवाइस मेजर करता है? लीगो, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला हम लोग पार्ट जल्दी ही अपलोड करेंगे और आपको देखते रहना हमारे वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है और जल्दी ही नेक्स्ट वाला पार्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।